आज की जी ये स्पेशल वीडियो छोटे बच्चों की माओ के लिए है, बहुत स्पेशल, बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चा किस उम्र में चलना जो है वो स्टार्ट करता है, कैसे वो चलना मतलब कैसे वो जल्दी चलना शुरू करेगा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको सबसे आगाह करूंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। मेरी जो बेटी है ना, इसको मैंने पांचवें महीने से ही वॉकर देना जो है ना वो स्टार्ट कर दी थी। आगे मैं फ्रंट पे इसके कपड़ा रखती थी, दोनों साइडों पे कपड़ा रखती थी ताकि ये आगे को ना गिरे या इसका मुंह ना लगे। तो इसको मैं इसलिए वॉकर जल्दी दे दी थी क्योंकि सारा दिन ये बेचारी लेटी रहती थी, मैं काम काज में लगी रहती थी, चैनल का भी काम था, उसके बाद घर के भी काम थे, अकेली थी मैं, कोई भी नहीं था मेरे साथ, तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते थे, तो ये बेचारी सारा दिन लेटी रहती थी, लेटे लेटे ये इतना थक जाती थी फिर रोने लग जाती थी। मैंने फिर इसको वॉकर में बैठाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको वॉकर में बैठाना शुरू किया तो माशाल्लाह ये दिन ब दिन ना वॉकर को बहुत अच्छा चलाने लग गई। जल्दी वॉकर देने से मुझे ये फायदा हुआ कि माशाल्लाह मेरी बेटिया पाँव पे बहुत जबरदस्त सा खड़ा होती है और चलने की ये कोशिश करी है, चीजों को पकड़ पकड़ के चल रही है। मिन्हा जो है ना ये वॉकर में बैठती नहीं थी, मैंने इसको बहुत मुश्किल से बैठना जो है ना वो स्टार्ट करवाया, कभी इसके सामने पोइम लगा के रख देनी, कभी कुछ कभी कुछ, फिर जी हालात कुछ ऐसे आ गए कि ये सिर्फ 2 मिनट बैठा करती थी। मैं फिर बहुत परेशान कि ये क्यों नहीं बैठती, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट हो गई, आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट होगी और अब माशाल्लाह सारा दिन वॉकर को भगाती है और स्पीड इतनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बस आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ही करना है और अपनी जो जान को है ना वो सुख में लेके आना है। जरूर इन टिप्स को फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।